हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वैष्णवी पाठशाला। ठीक है, वैष्णवी पाठशाला में आपका स्वागत है। हम गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे थे ना, उसी में आज हमने चार्ल्स मेटकॉफ और लॉर्ड ऑकलैंड को पढ़ाने की सोचा कि क्यों ना इसको भी ख़त्म कर दिया जाए लगे हाथ, जब गवर्नर जनरल की सीरीज चली रही है। और जो लॉर्ड डलहौजी आएगा उसको हम अलग से आपको पढ़ा देंगे। इसके बाद आप 1853 तक जाएंगे, फिर वहां पर हम चार्टर एक्ट पढ़ाएंगे। ठीक, तो पहले गवर्नर जनरल को ही खत्म कर लेते हैं, फिर 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ लेंगे। अब देखिए, बहुत तेजी से हम कहाँ बढ़ रहे हैं, 1857 की क्रांति पर। 1857 की क्रांति जब आएगी तो वहां पर बहुत सारी लड़ाइयां हम पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे जितने भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, उनसे भी आप बताइए। ठीक, अपना परिवार अगर बड़ा होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में, अपनी बातें ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा पढ़ाने में। ठीक है, नए नए कंटेंट भी लाएंगे और भी जो अच्छे से अच्छे तरीका हो सकता है उसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही चलता रहा, हमारे मेंबर बढ़ते रहे, हमको प्यार मिलता रहा, तो टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे हम। ठीक, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने के बाद भी हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो प्लान बहुत सारा है, बस एक ही चीज़ की समस्या है कि जब लोग नहीं है देखने वाले तो हम क्या करें बना करके। बात आती है ना, जब लोग ही नहीं है देखने वाले तो हम क्यों बनाएं, किसके लिए बनाएं जब कोई देख ही नहीं रहा है। तो इसीलिए बस आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा कष्ट कीजिए, बस आपसे इतना ही निवेदन है। बाकी मैं आपसे किसी प्रकार का पैसा तो मांग नहीं रहा हूँ कि मैं पेन ड्राइव कोर्स चला रहा हूँ या मैं पैड कोर्स चला रहा हूँ, नहीं ना, सब कुछ फ्री है आपके लिए, सब कुछ फ्री है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं चार्ल्स मेटकॉफ और लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में आगे पढ़ना। ठीक है, गवर्नर जनरल की अपनी सीरीज है ये, तो सबसे बात करते हैं पहले चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में। ठीक है, देखो चार्ल्स मेटकॉफ का जो समय था वो 1835 से लगा करके 1836 का था। क्या बात कर रहे हैं सर जी, केवल एक साल। हाँ जी, केवल एक साल, एक साल में ही ये मेटकॉफ जी आए और चले गए। ठीक है, इनका नंबर हम डालते जाते हैं जो जो इन्होंने काम किया। चलिए, ये तो हो गई इनके कार्यकाल की बात, यहां पर कार्य डालते हैं। ठीक, एक साल का इनका कार्यकाल था चार्ल्स मेटकॉफ का। इन्होंने किया क्या, कुछ नहीं काम किया, थोड़ा सा काम किया लेकिन अच्छा काम किया। हमने आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बताया था कि इसने प्रेस की स्वतंत्रता को फ्रीडम प्रदान की थी। प्रेस जो होता है उसको फ्रीडम प्राप्त की थी, किसने प्राप्त की थी, दी थी फ्रीडम, दी थी किसने दी थी, विलियम बेंटिक ने, बेंटिक जी ने दी थी फ्रीडम। लेकिन इन्होंने इस फ्रीडम के लिए केवल प्रयास किया था, मतलब उस दिशा में सोचने का कष्ट किया था, बस प्रयास किया था छोटा सा, बाकी कुछ नहीं किया था। उसके जस्ट बाद कौन आ गया, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ ने यही जो प्रयास था इसी प्रयास को अंतिम रूप दे दिया, बस बाकी कुछ नहीं किया। तो 1835 और 36 के बीच में इन्होंने फ्रीडम को, यानी कि प्रेस की जो फ्रीडम थी, इसको अंतिम रूप प्रदान किया। अब अंतिम रूप इन्होंने प्रदान किया तो जाहिर सी बात है कि पूरा पूरा श्रेय तो इन्हीं को ही जाएगा ना। तो फ्रीडम को जो स्वतंत्रता थी इनके द्वारा प्रदान की गई, अंतिम रूप इसको प्रदान किया गया, इसीलिए चार्ल्स मेटकॉफ को क्या कहा गया, प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया। क्या कहा गया, प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। ठीक, चलो इतनी सी बात थी केवल चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक, 1835 से 36 तक इनका कार्यकाल रहा और प्रेस को इन्होंने फ्रीडम प्रदान की थी, प्रेस को अंतिम रूप इन्होंने दिया था, इसीलिए इनको प्रेस का मुक्तिदाता बोला गया। ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। भाई एक साल आए थे, एक साल में क्या कर सकता है आदमी, जितना समय उसको मिलेगा उतने समय में वो अच्छा काम करेगा, जब उसको समय ही नहीं मिलेगा तो बेचारा क्या काम करेगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं हम किसके बारे में, अच्छा इसको साफ कर दे, चार्ल्स मेटकॉफ जी चले गए यहां से। समय आ गया 1836, गवर्नर जनरल कौन आ गया, लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, तो ये रहेंगे 36 से लगा करके 42 तक, 1836 से लगा करके 1842 तक।
ठीक है। 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं। बेचारा बड़ा खुराफाती था, बड़ा खुराफाती था। अभी 1836 में आया, 1837 तक रहा। अब ये कहता यार क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, कुछ तो काम करें जिससे लोग हमको जाने कि हम भी बैठे हैं गवर्नर जनरल बने। 1837 का काल आया, 1836 में बेचारे ने कुछ नहीं किया। इसका दिमाग भड़बड़ाता रहा, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। 1837 आया, बेचारा कुछ नहीं कर पाया। अब इसको और चिंता होने लगे कि हम काहे बैठे हैं यहाँ पर, हम जब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो हम बैठे कहाँ हैं। तो 1837 भी बेचारे खत्म हो गया, यही सोचता रहा कि का करे का करे, हम कैसे सुर्खियों में आए भैया जी। समय आ गया 1838 का, फिर से सोचता रहा क्या किया जाए। वही चीज इसके दिमाग में खुराफात आया। क्या खुराफात आया? खुराफात एक बहुत विशाल खुराफात आया। इसने का कहा यार भारत में तो कुछ मिल नहीं रहा लड़ाई झगड़ा करने को, कोनो सनकी नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है भारत वालों को, कोई सनकी नहीं रहा है। इसने कहा यार चलो कहीं ना कहीं उंगली करते हैं। बर्मा की तरफ उंगली कर नहीं सकते थे, बर्मा तो पहले ही मिल चुका था, रंगून केचर का जो इलाका था। ठीक, इसने दृष्टि डाली अफगानिस्तान की तरफ। कहाँ दृष्टि डाली? अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान के जो शासक बैठे थे वो बैठे थे शाह सुजा। कौन बैठा था? शाह सुजा बैठे थे अफगानिस्तान के शासक। अब इसके दिमाग में आया यार क्यों ना अफगानिस्तान पर लड़ाई करी जाए, मतलब फालतू का है ना खुरापात। बेचारा अफगानिस्तान शांति से बैठा है, कुछ नहीं, केवल सुर्खियों में आने के लिए, हाईलाइटेड होने के लिए ये नए नए कर्तव्य करना इसने शुरू किया। अब अफगानिस्तान से इसने युद्ध छेड़ने की बात कही तो इसने शाह सुजा पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? कहता है शाह सुजा भगोड़ा है। क्या कहा? शाह सुजा एक नंबर का भगोड़ा है। अब शाह सुजा कहता है यार हमको ये भगोड़ा कौन कह रहा है, हम कहाँ भाग के गए हैं, हमने तो कुछ किया नहीं किसी का। ये कहा ऑकलैंड के दिमाग में आ रही है बात, फालतू का मतलब इल्जाम लगा रहा है हमारे ऊपर। लेकिन ऑकलैंड जो था डरपोक था, बैठा कहाँ था? भारत में ही बैठा था, बैठा इंडिया में ही है। और कमेंट कहाँ कर रहा है? अफगानिस्तान को करंट कमेंट पेल रहा है, अफगानिस्तान को सॉरी अफगानिस्तान के ऊपर कमेंट मार रहा है। अब ये कहता है यार अच्छा चलो तुम भगौड़े नहीं हो, हम करते हैं, हम जाते हैं रणजीत सिंह के पास, हम जाएंगे रणजीत सिंह के पास, हम जाएंगे और तुम्हारी हम शिकायत करेंगे। ठीक है, तुमने हम पर लांछन लगा दिया, हमने तुमको कहा है भगौड़ा, तुम भगौड़े नहीं हो। रणजीत सिंह के पास गए, रणजीत सिंह से कहता है रणजीत सिंह जी, ओ रणजीत सिंह जी, रणजीत सिंह जी चलो शाह सुजा पर हम आक्रमण करते हैं, हमसे हमारी उनसे संधि करा दो, कुछ ना कुछ हमारी उनसे संधि करा दो। तो लॉर्ड ऑकलैंड और रणजीत सिंह कहते ठीक है भैया। रणजीत सिंह ने कहा चलो यार हम करा देंगे, उसमें क्या बात है। तो यहां पर एक संधि कराने की बात हुई आंग्ल और किसके बीच में, अफगानिस्तान का है तो अफगान, आंग्ल अफगान युद्ध होता है। लेकिन युद्ध होता कब है, होता कब है, होता है ये 40 में, 1840 में, 1840 में। लेकिन ये तो बात चल रही थी 1839 में रणजीत सिंह की हो जाती है मृत्यु। अब ये क्या करिए, अब तो ये अकेला हो गया, अब क्या रणजीत, क्या उसकी रणनीति पूरी हो पाएगी? नहीं पूरी हो पाएगी ना। पहले तो मिल गए, कहते ठीक है हम तुम्हारी संधि करा देंगे, क्या बात है यार, ऐसी कोई भी बात है, संधि हम तुम्हारी करा देंगे। लेकिन 1839 में रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई और ऑकलैंड जो हो गए अकेला हो गया। और अकेले ही कहता ठीक है हम अकेले ही युद्ध करेंगे, इनकी ऐसे तैसी अफगानिस्तान की ऐसी की तैसी हम युद्ध करेंगे। और युद्ध किया, बड़ी बुरी तरीके से मारा गया। कौन? ऑकलैंड। इतना बुरी तरीके से मारा गया, इतना बुरी तरीके से यहाँ पर अंग्रेजों की हानि हुई कि कुछ इतिहासकारों ने तो ये भी बोल दिया कि ये पूरी तरीके से मूर्खतापूर्वक युद्ध था, मूर्खता से भरा हुआ युद्ध था, पूरे इतिहास का सबसे मूर्खतापूर्ण युद्ध जो है वो लॉर्ड ऑकलैंड जी द्वारा लड़ा गया। समझ गए? बताओ फालतू का युद्ध था ना। अब इनके दिमाग में आया बैठे बैठे हानि तो हो ही चुकी है, अब ये काम कुछ कर नहीं रहे हैं, धब्बा अलग से लगवा लिए। कहते हैं यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब अगर कुछ नहीं किया तो हमारा नाम कैसे होगा, हमको पड़ेगा कौन इतिहास में,
अब भाई इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा जिसके कारण हम आपको पढ़ा रहे हैं ना। हाँ तो किया है ना, थोड़ा सा काम किया। इनके दिमाग में फिर एक फितूर घुस गया। फितूर क्या घुस गया? फितूर बहुत बेकार था। अच्छा खासा शेर शाह सूरी ने एक रोड बनवाई थी, शेर शाह सूरी जी ने एक रोड बनवाई थी, ठीक है। इसने क्या किया, इस रोड का नाम बताओ, अब कुछ नहीं मिला तो रोडए का नाम बदल दिए, जीटी रोड कर दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया। इसका नाम क्या कर दिया, ग्रैंड और ट्रंक रोड कर दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया। बताओ ये भी कोई काम था, फालतू काम किया नहीं बैठे बैठे। शेर शाह सूरी मार्ग का इसने नाम बदल करके क्या कर दिया, जीटी रोड कर दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया। इसके बाद ये भी एक सही नहीं काम था, लेकिन फिर भी ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इन्होंने काम किया, क्या काम किया नेक्स्ट, इन्होंने कहा यार कैसा करते हैं कुछ, यार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करते हैं, चलो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करते हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में ये घुस गए, कहते हैं यार ऐसा करते हैं कि जो छात्र हैं उनको हम छात्रवृत्ति बांटना स्टार्ट करें, छात्रवृत्ति बांटना स्टार्ट करें। तो इन्होंने छात्रवृत्ति की शुरुआत कर दी, क्या कर दी, छात्रवृत्ति की शुरुआत कर दी। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा काम था। इसके बाद इनको दिमाग में एक चीज चल रही थी, भेदभाव वाली। भेदभाव वाली हमने चीज आपको बताई थी ना, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, जन्म स्थान के आधार, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा अच्छा यार हर चीज पर भेदभाव होगा, और लोग तो गोरे और काले में भी तो भेदभाव करते हैं। इन्होंने कहा हम इस भेदभाव को खत्म करेंगे, यार कुछ तो मिल नहीं रहा है, चलो इस भेदभाव को ही खत्म कर देते हैं। तो इन्होंने काले और गोरों के बीच में भेदभाव खत्म किया और एक एक्ट बनाया जिसको बोला गया ब्लैक एक्ट। क्या बोला गया, ब्लैक एक्ट। तो ब्लैक एक्ट के थ्रू इन्होंने काले और गोरे रंग के लोगों के बीच में सिंपल सा भेदभाव खत्म किया था, बस इतनी सी बात, ठीक है। छात्रवृत्ति बांटना स्टार्ट कर दिया, और इसने क्या किया शिक्षा के क्षेत्र में, हाँ, और इसने कहा जो निम्न स्तर पर यानी कि जो प्राइमरी स्तर पर बच्चे पढ़ते हैं या जो भी शिक्षा का माध्यम है वो प्रादेशिक भाषा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए, यानी अपने क्षेत्र की जो भी भाषा है हम उसको प्राइमरी स्तर पर उसका यूज करेंगे, ठीक। चलो और इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने कहा यार कुछ ना ऐसा करते हैं, कुछ हम करते हैं समाज के, समाज सामाजिक सुधार कुछ ना करें भाई, ये तो चलो हो गया, सामाजिक सुधार भी कुछ करते हैं। तो इनकी नज़र पड़ी दो चीज़ों पर, किस पर पड़ी, दुर्गा पूजा पर पड़ी, दुर्गा पूजा, जो दुर्गा की पूजा होती थी, दुर्गा माता की पूजा। और एक इनकी नज़र पड़ी किस पर, किसानों पर पड़ी, ठीक है, किसानों पर पड़ी। और इनकी किस, और इनकी नज़र किस पर पड़ी, और इनकी नज़र पड़ी तीर्थ यात्रियों पर, है। चलो कुछ तो इन्होंने सोचा, अच्छा काम। धीरे धीरे दुर्गा पूजा पर जो कर था वो इसने क्या किया, समाप्त कर दिया, दुर्गा पूजा का कर समाप्त कर दिया। किसानों के लिए इसने सबसे अच्छी बात करी कि पहली बार किसी ने सोचा कि चलो किसानों को नहरें प्रदान की जाएं, नहरों का विकास किया जाए, नहरों की खुदाई की जाए, यानी कि जो पानी जो किसान की मुख्य आवश्यकता है उसको हम उसके खेत तक पहुंचाएंगे। तो नहरों का विकास इसने किया किसानों के लिए। इसके बाद तीर्थ यात्रा पर जो कर लग रहा था, सॉरी हमें लग रहा कुछ उल्टा हो गया, दुर्गा पूजा को इसने क्या किया था, प्रारंभ किया था, और तीर्थ यात्रियों पर कर इसने कर समाप्त किया था, तीर्थ यात्रियों पर इसने कर समाप्त किया था, ठीक है। और दुर्गा पूजा जो कर था उसको भी इसने समाप्त किया था, दोनों दोनों प्रकार के जो कर थे इसने समाप्त किए थे। दुर्गा पूजा पर जो कर लगता था, दुर्गा पूजा पर अगर आप पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, वो कर समाप्त किया। और तीर्थ यात्रा अगर आप करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ टैक्स देना पड़ता था, तो उसने भी इसके कर को हटा दिया। और किसानों के लिए इसने नहरें प्रदान की। तो आई थिंक लॉर्ड ऑकलैंड के जी के बारे में इतनी बातें इंपॉर्टेंट थी, इससे ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट थी नहीं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा भैया दूसरे को शेयर कर दीजिए, इतना ही हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट गवर्नर जनरल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।